नमस्कार, मैं साक्षी एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए आज की कुछ खास खबर देखते हैं। मनावर विधानसभा से रंजना बघेल और धर्मपुरी विधानसभा से गोपाल कन्नौज को भाजपा ने दिया टिकट। गोपाल कन्नौज और मनावर से मांग रहे थे टिकट। कांग्रेस का गढ़ है कि धर्मपुरी भाजपा को भुगतना पड़ सकता है खामियाजा। मनावर से पूर्व कैबिनेट मंत्री रंजना बघेल और धर्मपुरी विधानसभा से भाजपा के गोपाल कन्नौज को भाजपा ने 177 प्रत्याशियों की सूची में टिकट देकर स्थान दिया है, किंतु भाजपा की अंतर्कलह के कारण दोनों सीटें हारने की संभावना ज्यादा दिख रही है, क्योंकि गोपाल कन्नौज मनावर से टिकट मांग रहे थे। उन्हें पार्टी ने मनावर से टिकट न देते हुए धर्मपुरी से टिकट दे दिया, जहां उनका कोई वर्चस्व नहीं। और दूसरा पर्वग्रह राज्य मंत्री जगदीश मुवेल की विधानसभा रह चुकी है, जहां से जगदीश मुवेल को टिकट नहीं देना भाजपा के लिए हानिकारक हो सकता है। हाल ही में नगर निकाय चुनावों में भाजपा धर्मपुरी से हार चुकी है। दूसरी और रंजना बघेल पर पिछली विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगा चुकी है। उनको कोर्ट की दहलीज भी चढ़ना पड़ा था। ऐसे में भाजपा मनावर में भी कोई खासा दम नहीं रहती है। साथ ही यह भी भाजपा नगरीय निकाय चुनाव भारी मतों से कांग्रेस से हार चुकी है। तो खबरों में आज के लिए बस इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस इंडिया प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब